एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो फर्स्ट आई हैव दिस रफ टॉप, प्राइस इज़ 619 एंड मैंने इसे फ्री साइज़ में परचेज़ किया है। इस टॉप के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, सो हेयर इट इज़ गाइज। तो ओवरऑल मुझे ऐसे रिसीव नहीं हुआ था, इसकी जो स्टेप्स है वो मुझे एक छोटी सी पॉली में अलग रिसीव हुई थी। मैंने यहाँ पर इसे टक कर लिया है, यहाँ पर चार हुक दिए हुए हैं जिसमें आप इजीली इन्हें टक कर सकते हो, लेकिन मुझे इसके स्टेप्स की क्वालिटी बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसके हुक की स्पेशली क्वालिटी मुझे बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये टक हुआ रखा है, ये यहाँ पर टक हो रखा है एंड ये ऐसे निकल गया है। अब मैं इसे कैसे टक करूँ, एज़ यू कैन सी। तो आई थिंक प्राइज़ वाइज इट्स नॉट वर्थ इट। अगर ये 300 या 400 में भी आपको मिल रहा होता तो भी ठीक था, बट 600 में ऐसी क्वालिटी, आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे टॉप्स ऐसे ही होंगे, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है उसके हुक्स बिल्कुल भी सही नहीं हैं। बाकी ओवरऑल जो रफल पार्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड पहनने के बाद नो डाउट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड क्वालिटी इसकी सीरियसली अच्छी है। अगर टॉप की बात करूँ तो यहाँ अंदर इन्होंने अस्तर अप्लाई किया हुआ है एंड रफल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो यह नो डाउट अच्छा है। दिस वाइट टॉप, प्राइस इज़ 281 और मैंने इसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया है। तो मुझे इसकी क्वालिटी लाइक कपड़े की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी गाइस, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसका नेक बहुत छोटू लगा मुझे, लेकिन यहाँ आप ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है तो आप इसे शोल्डर ऑफ करके भी पहन सकते हो एंड यहाँ पर लाइक स्लीव्स पर और नीचे कुछ फ्रिल्स करके दी हुई हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। एंड यहाँ पर दो स्टेप्स दी हुई हैं जिन्हें आप ऐसे खींच कर फ्रंट से इसे क्रॉप टॉप कर सकते हो, एज यू कैन सी। सो ओवरऑल टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बैक से ये पूरा प्लेन है। ओवरऑल मुझे टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड प्राइस वाइज आई थिंक इट्स वर्थ इट एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड कपड़ा बिल्कुल प्लेन नहीं है, आपको हल्की सी लाइन्स दिख रही होंगी इस पर। सो यह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं, आप चाहो तो कोई भी कलर परचेज कर सकते हो। दिस टॉप प्राइजेस 386 और मैंने इसे स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया है। ये मीज़ो पर अभी रिसेंट में आया है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आए हैं और मैंने इसमें ब्लैक कलर परचेज़ किया है, आई मीन लाइक ब्लैक फ्लावर वाला, उसमें ब्लू फ्लावर, रेड फ्लावर और भी कई सारे कलर्स हैं। तो ओवरऑल मुझे देखना था कैसा है, लेकिन इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है एंड इसका कपड़ा लाइक मुझे लग रहा था बिल्कुल ट्रांजी नहीं होगा, मुझे थोड़ा ट्रांजी कपड़ा चाहिए था बिकॉज उससे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो या इसका कपड़ा काफ़ी ट्रांजी है, आप अंदर शॉर्ट इनर करके वेयर कर सकते हो, मैंने इसे भी वेयर करके नहीं देखा है कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, फ्रंट पर आपको एक कॉलर मिल जाएगा, बैक से पूरा प्लेन है, यहाँ पर स्लीव्स दी हैं, फुल स्लीव्स नहीं है, शॉर्ट स्लीव्स हैं आई थिंक, वो भी बलून काइंड में एज यू कैन सी एंड कोई भी बटन नहीं है, ठीक है। एंड फ्रंट पे यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं एज यू कैन सी एंड यहाँ पर नॉट बांधने के लिए नीचे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा दिया हुआ है। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में ये, अभी देखते हैं वेयर करने के बाद कैसी लगती है।
आई हैव दिस टॉप, इसको देखने से पहले ये कमेंट ज़रूर देख लेना, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था इन्होंने, सॉरी फॉर लेट, बट या मैं अब इस टॉप को ले आई हूँ आपको रिव्यू करने के लिए। तो मैंने इसे 365 में लिया है, वो भी स्मॉल साइज़ में। वहाँ पर इसके कई सारे कलर्स हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आपको जो भी परचेज करना हो परचेज कर सकते हो। ओवरऑल सिंपल सा टॉप है, यहाँ पर लाइक यू नो अल्फ़ाबेट्स का प्रिंट हो रखा है, लाइक वो पेपर प्रिंट नहीं होता कुछ उस टाइप से। तो यहाँ पर इन्होंने मिड में इलास्टिक अप्लाई कर रखी है पूरे टॉप मर, और नीचे फ्रिल्स टाइप में दिया हुआ है एज़ यू कैन सी। फ्लेयर स्लीव्स हैं आप एज़ यू कैन सी। ओवरऑल कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ओके ओके क्वालिटी है, मतलब आई थिंक 365 के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी नहीं लगी। तो बट वेयर करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आप शोल्डर ऑफ भी इसे वेयर कर सकते हो। एंड फ्रंट में इन्होंने इलास्टिक अप्लाई कर रखा है, बैक में भी, एंड ओवरऑल सिंपल सा टॉप है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक बताने के लिए, लेकिन 365 के अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट यह पहनने के बाद मुझे काफ़ी सही लगा। तो या दैट्स इट। नेक्स्ट आई हैव दिस डेनिम टॉप, प्राइस इज 350 और मैंने इसे डबल एक्सेस में लिया है। मुझे इसकी क्वालिटी गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो टॉप की अगर बात करूँ तो पीछे से पूरा प्लेन है एंड फ्रंट पे यहाँ बटन्स दिए हुए हैं। ये मैंने डबल एक्सेस में लिया था क्योंकि जनरली मीज़ो के टॉप थोड़े लूज़ आते हैं, लेकिन मुझे ये टाइट आया, तो मैं इसे एक साइज़ अप में परचेज़ करना चाहती थी, लेकिन वहाँ से सारे टॉप आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। लेकिन इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक स्ट्रेच पीस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी ओवरऑल टॉप की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी स्टेप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड ओवरऑल जो इसका फैब्रिक है, जो भी इस पर स्टिच किए हुए हैं बटन्स एंड जो भी इसकी सिलाई है, वो बहुत ही अच्छे से है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट ये मैंने डबल एक्सेस में लिया था और वहाँ से सारे साइज़ जा चुके हैं, तो मेरा बैड लक है। एंड आफ्टर वेयरिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट भी लगा और काफ़ी क्यूट भी लगा। सो या आई जस्ट लव दिस टॉप।